हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी और बहुत काम के आने वाली किचन टिप्स दूंगी, जिनकी मदद से आप रोज़मर्रा के कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत लोगों को प्याज काटते समय आँख से बहुत आंसू आते हैं, तो इसका बेस्ट तरीका हैगा कि आप प्याज को आधा घंटा पहले छील लें, फिर उस आधे घंटे के लिए पानी में आप डुबो के रख दें। उसके बाद आप जब प्याज काटेंगे तो उससे आपको बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। ये सबसे बेस्ट और आजमाया हुआ तरीका है। दही जमाने के लिए आप कच्चे और चाहते हैं कि आपको बिल्कुल हलवाई जैसी और परफेक्ट दही जमा हो, तो इसके लिए आपको चाहिए कच्चे दूध में फ्रेश नारियल का छोटा सा टुकड़ा डाल लें, जिससे दही कई दिनों तक फ्रेश रहेगी और तरोताज़ा रहेगी। आप इसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। हलवे में सूखी चीनी की जगह, चीनी के बुरादे की जगह आप अगर उसमें थोड़ा सा सीरा बना के डालते हैं तो हलवे का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, और खीर में अगर आप थोड़ा सा नमक डालते हैं तो उसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी हर जगह तारीफ होगी। आप ये टिप्स ज़रूर ट्राई करें। नींबू को फ्रिज में अक्सर रखने पर काले पड़ जाते हैं, ये समस्या सबकी भी है। इस परेशानी से बचने के लिए नींबू पर आप नारियल का तेल लगा के उसे फ्रिज में रखेंगे तो नींबू जो है लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहेगा और वो काला नहीं पड़ेगा। आप जब भी उसे यूज़ करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, आपका कम से कम आप उसे एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है। और भी तरीके के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।